एंड वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद नीमा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाने वाली मिठाई की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ थोड़े से ही सामानों से और बहुत ही यमी और टेस्टी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम आज की इस वीडियो को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये है वो मिठाई जो आज हम अपने इस वीडियो में बनाने वाले हैं। इसे हम बनाएंगे विदाउट फायर, बिना गैस जलाए ही हम इतनी यमी और टेस्टी मिठाई घर में थोड़े से ही समय में बना करके तैयार कर सकते हैं। और साथ ही सिर्फ तीन चीज़ों से मैंने इस मिठाई को बनाया है। तो आइए देख लेते हैं किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक कप मिल्क पाउडर। आप कोई सी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेस्ले का एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कप भर के फुल मिल्क पाउडर। इसमें मैंने ऐड किया है आधा कप डस्टर्ड कोकोनट, जिसे हम नारियल की गिरी भी कहते हैं। तो आधा कप मैंने ये लिया है। आप जिस भी मेज़रमेंट से लें तो मिल्क पाउडर से आधी गिरी लें। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप शुगर पाउडर। तो आप ध्यान रखें, जितना मिल्क पाउडर लेंगे हम उससे हाफ़ क्वांटिटी में ये चीज़ें लेंगे। और साथ ही मैंने डाला है इसमें इलायची पाउडर। इन सारी ही चीज़ों को मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर वाला मिल्क। तो मिल्क फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। यहाँ पर आपको जो मिल्क आप ऐड करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चम्मच भर के डालना है। ज़्यादा मिल्क नहीं डालना है, क्योंकि हम जैसे ही इसमें मिल्क मिलाएंगे, दूध मिलाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो हमारा मिल्क पाउडर है वो मॉइस्चर से एकदम से इसको रिलीज़ कर देगा, गीला हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। थोड़े से ही दूध में आपका जो ये है पूरा अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 चम्मच जो मैंने दूध ऐड किया था उसी से ही हमारा डो बन करके तैयार हो गया है। डो को एक साइड रख देते हैं। अब बना लेते हैं हम स्टफिंग मिठाई की। तो इसके लिए मैंने लिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट, बादाम और काजू, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप कोई और भी अगर चाहते हैं ड्राई फ्रूट तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इस डो को मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी, बिल्कुल हाफ हाफ बराबर भागों में। 2 भागों में मैंने इसे कर लिया है। एक पोर्शन को हम अभी साइड में रख देते हैं। जो सेकंड पोर्शन हमारा बच जाता है, अब इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पर फूड कलर। मैंने डार्क ऑरेंज कलर का फूड कलर लिया है। आपको जिस भी कलर की मिठाई बनानी हो आप उस कलर का फूड कलर ले सकते हैं। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं पूरा ऑरेंज कलर इसमें आ गया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है ये प्लास्टिक शीट। आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं, बटर पेपर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक शीट ली है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीस कर दिया है ताकि चिपके नहीं। और ये जो हमने डो बना करके रखा था, आप देख सकते हैं इस डो को मैं इस शीट पे रख के और इसको पतला सा बेल लूँगी। जब हम शीट में बेलते हैं फ्रेंड्स, तो चिपकने का डर नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर शीट में इसको बेला है ताकि बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेगा और ईज़िली अच्छे से हम इसे बेल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। यहाँ पर मैंने इसको मीडियम रखा है और देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह का इसको बेल लिया है। और बेलने के बाद में हम इसमें लगा देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे हैं। आपको ये ड्राई फ्रूट नहीं लगाने हो तो आप जो भी चाहें आपकी चॉइस से दूसरे ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें पूरे ड्राई फ्रूट बिछा दिए हैं थैली से। यहाँ पर मैंने इसको कवर करके ऊपर से भी थोड़ा सा प्रेस कर दिया है ताकि ड्राई फ्रूट सेट हो जाएं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको उठाया नहीं है, साइड से मैंने इसको रोल कर दिया है। जो हमारी शीट है उस शीट की हेल्प से मैंने इसको रोल रोल कर दिया है। और देखिए इस तरह से पूरा एक रोल तैयार हो गया है। तो अभी हम इसे रख देते हैं एक साइड। अब मैंने यहाँ दोबारा शीट पर थोड़ा सा घी लगा करके ग्रीस कर दिया है। और सेकंड जो हमारा वाइट वाला रोल है, अब मैं इसको भी यहाँ पर से बेल लेती हूँ बिल्कुल वही पॉलीथीन की हेल्प से, ताकि ये भी बिल्कुल चिपके नहीं। और अच्छा सा हम इसे बेल लेंगे। ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह की थिकनेस के अनुसार
बेल लिया है और अब हम इसमें रख देंगे सेंटर में जो हमने हमारा ऑरेंज कलर का जो हमने हमारा रोल बनाया था उस रोल को इसके अंदर रख देंगे और पॉलीथीन की हेल्प से ही, इसे हटाना नहीं है, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और रोल रोल कर देंगे और हल्के हाथों से यहाँ पर इसे प्रेस करते चलेंगे ताकि ये बिल्कुल भी आपके हाथों में चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ शीट की हेल्प से ही इसको आगे की तरफ सरकाते हुए रोल कर लिया है। रोल करने लगे बाद में मैंने इसको यहाँ पर हल्के हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर दिया है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और एकदम से सेट हो जाए। तो सेट हो जाने के बाद में इसी पॉलीथीन में मैं इसको अच्छे से कवर अप कर दूंगी। अगर आप एल्युमिनियम फॉइल में बनाते हैं तो आप उसी में इसको पूरा कवर अप कर दीजिए, या फिर अगर आप बटर पेपर में बनाते हैं तो उसमें भी कवर अप कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा पॉलीथीन में इसे कवर कर दिया है। साइड से मैं इसको यहाँ से बिल्कुल बंद कर दूंगी दोनों साइड से और अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। तो 3 से 4 घंटे फ्रेंड्स हो गए हैं, मैंने इसको निकाल लिया है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो मिठाई है वो किस तरह की सेट हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया है पॉलीथीन को और आप देख सकते हैं मिठाई हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है, बिल्कुल हार्ड हो गई है। तो बस अब मैं यहाँ पर इसको कट कर लेती हूँ। तो जो स्टार्टिंग का पोर्शन है थोड़ा सा इसको मैं हटा दूँगी, यहाँ से दोनों साइड से हटा दूँगी ताकि जो हमारी मिठाई है वो बिल्कुल शेप में आ जाए, शेप में कटिंग हो। तो ये दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा रोल कट करके हटा दिया है। तो अब हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा वर्क ताकि जो हमारी मिठाई है वो बिल्कुल सुंदर सी नज़र आए, एकदम मार्केट जैसा इसमें लुक आ जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस पर वर्क लगा दिया है और जो ड्राई फ्रूट हमने इसमें अंदर फिल किए थे वही ड्राई फ्रूट मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा डाल दूंगी ताकि जो मिठाई का है वो बिल्कुल सुंदर सा एक डेकोरेशन सा हो जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़े से मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं, अब हम इसे कट करेंगे। तो बिल्कुल आप एक नीट एंड क्लीन नाइफ की हेल्प से इसे कट कर दीजिए इस तरह से। आप चाहें तो इसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस, पतले पतले पीसेस में कट कर सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा सा मोटे पीसेस में रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के पीसेस कट किए हैं, मैं आपको यहाँ पर और कट करके बताती हूँ। आप जब इस मिठाई को कट करेंगे तो आप नाइफ़ को बिल्कुल क्लीन कर लीजिएगा ताकि बिल्कुल भी नाइफ में ये मिठाई चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे पीसेस कट हो रहे हैं, मैं आपको यहाँ दोनों साइड से दिखाती हूँ और अंदर से कितना अच्छा हमारी मिठाई का कलर आया है। आउटिंग इसकी पूरी की वाइट और अंदर से हमारी मिठाई का जो शेड है वो एकदम ऑरेंज निकला है, जिससे कि हमारी मिठाई का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस फ्रेंड्स इस तरह से आप बिल्कुल इसे हल्के हाथों से अपनी जैसी आपको पीसेस चाहिए, छोटे बड़े पतले या मोटे, उस तरह के पीसेस आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर कट करके बता दिया है, बहुत ही ईजीली कट भी हो रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सारे पीसेस को कट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर सारे पीसेस मैं निकाल लूँगी कट करके, यहाँ मैंने सब कट कर लिए हैं और अब हम इसे रख देते हैं डेकोरेशन के लिए सर्विंग प्लेट में। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है और यहाँ पर निकाल लिया है। दिखने में कितनी हमारी मिठाई सुंदर दिख रही है, अट्रैक्टिव दिख रही है, कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इस मिठाई को बिना गैस जलाएं मात्र थोड़ी सी देर में इतनी थोड़ी सी चीज़ों से इतनी टेस्टी मिठाई बना करके तैयार कर ली है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल दिए हैं ताकि ये और ज़्यादा अच्छी हो जाए। और बस फ्रेंड तैयार है हमारी यमी और टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी, जो कि आपके घर में सबको पसंद आएगी, आपके मेहमानों को पसंद आएगी, बच्चों को पसंद आएगी और कोई गैस भी नहीं कर पाएगा कि आपने इस मिठाई को सिर्फ 3 चीज़ों से बिना गैस जलाए ही घर में ही बनाया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।